ये रहा भुगतान। देखिए बात ये है कि दुश्मनी से आग लगाया गया है जानबूझ के, तो बड़ी लागत से, करोड़ों के लागत से होटल बनाए थे। इनकम एक सोर्स था इनकम का, आई बर्दाश्त नहीं हुआ दुश्मनों को और आग लगवा दिया। चार बड़ी वाहन और तीन छोटी वाहन को हम लोगों ने अग्निकांड के बुझाने में बैंक्वेट हॉल है उसमें आग लग गई है। और मेनली आग बैंक्वेट हॉल में नहीं लगी है बल्कि पीछे ये झोपड़ी है, यहाँ पे करीब 6-7 घर हैं, इसमें लगी है। देखिए बात ये है कि दुश्मनी से आग लगाया गया है जानबूझ के, आग लगाया अभी फिलहाल खुला ही था, मुश्किल से हम समझते हैं 7-8 महीना हुआ, तो बड़ी लागत से, करोड़ों के लागत से होटल बनाए थे। इनकम एक सोर्स था इनकम का, आई बर्दाश्त नहीं हुआ दुश्मनों को और आग लगवा दिया। कौन लोग हो सकते हैं? अरे ये क्या बोलेंगे, रात में तब भीतर स्टाफ सब सोयल था, हम लोग तो अपने घर में थे। अब दुश्मनी जो साध रहा है वही लगाया, और कौन लगाया? जब आपके साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो आम लोग कितना सुरक्षित होंगे सर? अरे हमको तो क्या कहा जाए, ये बर्बाद करने के लिए ऐसा किया गया। आम लोग तो सुरक्षित है, ऐसा कोनो बात नहीं, घटनाएं घट रही है। देखिए आदरणीय नीतीश कुमार ने, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार के मुंह में उंगली डालकर जहरीली शराब पीने वाले को 4 लाख का मुआवजा दिलवा दिया। बोले थे नीतीश कुमार पिएगा तो मरेगा, वास्तविक जब दारू बंद है तो पीता क्यों है? ये सब तो कर ही रहा है ना, ये राजनीतिक के तहत ऐसा किया गया है। कैसे इसको डैमेज करें, करोड़ों के लागत से होटल बना और बढ़िया हो, कितनी की क्षति हुई है? करोड़ ऊपर की क्षति हुई, 6 महीना बनने में लगा था, 6 महीना 8 महीना बनने में, पर सबका सहयोग था, समाज खुश था, इलाका खुश था, हमारे जात बिरादरी थी खुश थे कि भाई एक चीज़ भागलपुर जिला में बना है जो 2-4 जिला में ऐसा होटल नहीं होता। ये रहा भुगतान। उधर से नाग इधर पकड़ लिया, पीछे साइड अभी जला हुआ है, डोमासियम नाग लगा था। सूचना सवेरे 5 बजे हमको मिली थी, उस टाइम आग लग चुका था। हाँ। और हाल में ही एक दिन पहले मेरे घर के पीछे वहाँ भी आग लगा हुआ था, और सूचना के अनुसार कोई लगाया था वहाँ आग। हाँ। लेकिन उसको उतना ध्यान नहीं दिए, मगर यहाँ पे आज सवेरे लगभग 4 बजे के आसपास कोई आग लगा दिया गया। और सुनने में आ रहा है हमारे दादा समान लाल बहादुर शास्त्री और उनके बेटा, उन्हीं लोग का किया हुआ है, वही लोग आग लगाया है, और वो लोग काफ़ी समय से पीछे पड़े हुए हैं। इस पर चाहते जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई किया जाए, लगभग लाखों करोड़ों का संपत्ति उन्होंने जला दिया है। हम यही चाहते हैं, कितना का संपत्ति जल गया होगा? लगभग 50 लाख से ऊपर का संपत्ति जल चुका होगा। कितना बजे आग लगाने की सूचना मिली और कितनी गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया सर? लगभग 5 बजे सूचना हम लोग को मिली, और यहाँ पे अभी हम लोग 2 बड़ी वाहन और 4 बड़ी वाहन और 3 छोटी वाहन को हम लोगों ने अग्निकांड के बुझाने में। कितना का नुकसान लग रहा है सर जी? नुकसान कितना का लग रहा है? लगभग रेस्टोरेंट जल गया पूरा क्या? रेस्टोरेंट में अब कितना सामान था कितना नहीं था, वो बैंक्वेट हॉल है वो
में आग लग गई है और मेनली आग बैंक्वेट हॉल में नहीं लगी है बल्कि जस्ट पीछे ये झोपड़ी है, यहाँ पे करीब 6-7 घर हैं इसमें लगी है। इसके पहले भी स्थानीय लोगों का कहना है कि बगल में बांस रखा हुआ था वहाँ पर करीब 2:30 बजे आग लगी है, जिसको इन्होंने लोगों ने स्वयं ही बुझा लिया है और ये लोग फिर निश्चिंत होकर सो गए हैं और करीब 4:30-5 बजे इनके झोपड़ी में पुनः आग लग गई।